हे गाइस वेलकम बैक, मैं हूं केशव खेरा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं टेक दिस वीक, जिसमें आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराते हैं। तो देख लेते हैं कि इस बार टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हुआ खास। सैमसंग लगता है एंट्री लेवल स्मार्टफोन मार्केट में ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते सैमसंग ने अपना एक बजट फोन सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 लॉन्च किया था। और एक बार फिर से सैमसंग ने इस हफ्ते अपने दो नए बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनका नाम है On 5 Pro और On 7 Pro। ये दोनों ही फोन 2GB रैम और एंड्रॉयड मार्शमेलो से लैस हैं। On 5 Pro एक 5 इंचर फोन है जिसकी कीमत है लगभग 9000 रुपये और On 7 Pro एक 5.5 इंचर फोन है और उसकी कीमत है लगभग 11000 रुपये। माना जा रहा था कि लेनोवो वाइप C2 मोटो ई का सक्सेसर होगा, पर लेनोवो ने सभी की स्पेकुलेशंस पर पानी फेर दिया। जी हाँ, लेनोवो ने इन दोनों ही फोन्स को अलग अलग नाम से लॉन्च किया, यानी लेनोवो वाइप C2 और मोटो ई 3rd Gen। तो अब आप इनमें से कोई भी एक फ़ोन अपनी सहूलियत के हिसाब से पिक कर सकते हैं। शाओमी की टैक्टिक्स को देख के ले इको भी अपने कंज्यूमर्स के लिए लाया है गुड न्यूज। जी हाँ, ले इको के ले 2 को लेने के लिए अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ले इको ने अब इस फ़ोन की रजिस्ट्रेशन और फ्लैश सेल बंद कर दी है। तो आप इस फ़ोन को सीधे सीधे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स अपने कम बजट वाले फ़ोन लॉन्च करके अपनी मार्केट एस्टैब्लिश करने में लगे हैं, वहीं चाइनीज़ ब्रांड ऑनर ने चाइना में अपना नया फ्लैगशिप ऑनर 8 अनाउंस किया। इस फोन में है 4GB की रैम, किरिन 950 SoC प्रोसेसर, 12MP का डुअल रेयर कैमरा, 64GB इंटरनल स्टोरेज। इस फोन के दो वेरियंट्स और भी लॉन्च हुए हैं, पर इन तीनों ही फोन्स में प्राइसिंग का कुछ खास डिफरेंस भी नहीं। आखिरकार क्वालकॉम ने अपना नया फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 821 अनाउंस कर दिया। आप स्नैपड्रैगन 821 और स्नैपड्रैगन 820 की परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, पर अब ये प्रोसेसर VR को सपोर्ट करेगा और आपको सबसे पहले ये प्रोसेसर ASUS Zenfone 3 डीलक्स के नए वर्जन में मिलेगा। सैमसंग नए फैबलेट गैलेक्सी नोट 7 की डेट्स अनाउंस हो गई है। सैमसंग 2 अगस्त को न्यूयॉर्क, रियो डी जनेरियो और लंदन में इस फैबलेट को रिवील करेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस फैबलेट में हो सकती है 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 3600mAh की बैटरी और नया एस पेन। हम सभी जानते हैं कि एप्पल का नया फोन आईफोन 7 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। सितंबर में इस फोन के लॉन्च होने के आसार हैं और इसी के चलते मार्केट में कुछ र्यूमर्स भी आ रहे हैं और वो र्यूमर्स हमें सच होते भी लग रहे हैं। और वो ये कि एप्पल आईफोन 6S और आईफोन 7 के डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पर खुशी की बात यह है कि जो बैटरी की प्रॉब्लम आ रही थी आपको आईफोन 6 या 6S में, वो एप्पल सॉल्व कर देगा, यानी कि आपको आईफोन 7 में लगभग 2000mAh की बैटरी मिलेगी। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी बस। पर अगर आपको इसके अलावा हमसे कुछ जानना है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेड़ा साइनिंग ऑफ।